इन दोनों देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर है? तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अब देखो, ये जो सभी देश यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं ना, इनके बारे में हम एक तो कैपिटल और उनकी करेंसी ये जान लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं युगांडा से। युगांडा की जो कैपिटल है ये क्या है? इसकी कैपिटल है कंपाला। कंपाला इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। अब क्वेश्चन उठता है इसकी करेंसी क्या है। युगांडा की जो करेंसी है यह है युगांडा शिलिंग। शिलिंग आप याद रखेगा, ये इसकी करेंसी है। अब बात करते हैं रवांडा की। इसकी जो कैपिटल है यह है किगली। किगली एग्रीमेंट के बारे में भी आपने सुना होगा, KIGALI, किगली। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो रवांडन फ्रैंक, FRANC। ये क्या है? ये करेंसी है रवांडा की। अब बात करते हैं लीबिया की। लीबिया की आप कैपिटल बताइए। इसकी कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली जो है ये इसकी कैपिटल है और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो लीबियन दिनार। लीबियन दिनार ये इसकी करेंसी है। केनिया की बात करते हैं। केनिया की कैपिटल क्या है? केनिया की कैपिटल है नायरोबी। देखो, कैपिटल और करेंसी ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नायरोबी इसकी कैपिटल है और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो केनिया की जो करेंसी है यह है केनियन शिलिंग। जिस प्रकार से युगांडा की जो करेंसी है युगांडन शिलिंग, उसी प्रकार से केनिया की करेंसी है केनियन शिलिंग। और नायरोबी, नायरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का मुख्यालय भी स्थित है, यानी UNEP का जो हेडक्वार्टर है ये नायरोबी में है। तो ये आप याद रखेगा। अब देखो, युगांडा और रवांडा इन दोनों की आप लोकेशन देखिए कहां पर है। ये देखिए, ये दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये है यहाँ पे युगांडा और इधर है ये रवांडा। इसकी कैपिटल कंपाला और इसकी कैपिटल है किगली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन मुंडा ने 11 नवंबर 2021 को किस राज्य में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखो, अर्जुन मुंडा ये है कौन? सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्जुन मुंडा जो है ये है देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। ये आप याद रखेगा। अब इन्होंने कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है, क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में। तो देखो, अभी रिसेंटली इन्होंने 11 नवंबर 2021 को उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया उत्तराखंड के देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। उत्तराखंड जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब उत्तराखंड से आप 5 पॉइंट याद रखेगा, इनको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन इसका जो उद्घाटन है ये देहरादून में किया गया। सेकंड पॉइंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक एलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तीसरा पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनाया जाएगा नीदरलैंड की सहायता से। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहां पर बना है? पिथौरागढ़ जिले में। पांचवा पॉइंट, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये नैनीताल के हल्द्वानी में बना है। छठा पॉइंट, हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहां पर ये आयोजित किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें गोवा की, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए आप, यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये चाइना और नेपाल इन दोनों के साथ लगती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी दो कैपिटल है, गैरसैंण जो समर कैपिटल है, देहरादून ये विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों के साथ भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नाम है नरेंद्र सिंह तोमर ने नवंबर 2021 में किस राज्य में किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन का आभासी तौर पर उद्घाटन किया? तो अभी रिसेंटली केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवंबर 2021 में नागालैंड में किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन का आभासी तौर पर उद्घाटन किया। सी ऑप्शन जो है नागालैंड, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नागालैंड। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है नागालैंड की। ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर आसाम और मणिपुर, इन 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नागालैंड। ये देखिए आप, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कोहिमा जो है ये कैपिटल है न्यूपियो रियो, मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी, राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है।
12 जिले हैं, लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं सुधांशु धूलिया, तो ये आप याद रखेगा। देखो जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य होते हैं ना, इनकी आप बाउंड्री भी याद रखेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। फोर्थ क्वेश्चन, किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीसी मोदी। पीसी मोदी है कौन? पीसी मोदी है देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्मर चेयरमैन, और इनको अभी रिसेंटली राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, रतन चक्रवर्ती, इनको ये त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के नए स्पीकर यानी अध्यक्ष बनाए गए थे। थर्ड पॉइंट, अतुल करावाल, अतुल करावाल ये हमने कल पढ़ा था, इनको एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसके क्या बनाए गए थे? डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। फोर्थ पॉइंट, दिनेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह को असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पीसी मोदी। कौन सा देश जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, भारत। सिक्स्थ क्वेश्चन, नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने 2014 और 2015 से 2020-21 तक कपास के 7 मौसमों के लिए भारतीय कपास निगम को कितने करोड़ के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को मंजूरी दी है? आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देखो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपता है, तो इसको आप इसका डाटा याद रख लीजिएगा, 17408.85, ये आप याद रखेगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम 2009 में बनाया गया था, वर्ल्ड निमोनिया डे, ये आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 9 नवंबर, 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे ये मनाया जाता है। 10 नवंबर 2021 में 10 नवंबर को इंटरनेशनल पैथोलॉजी डे ये मनाया गया, क्योंकि ये हर साल नवंबर के दूसरे वेनेसडे को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया गया। सेवंथ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 12 नवंबर। किस राज्य ने वर्ष 2021 से 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबवा जयंती मनाने का निर्णय लिया है? आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। एट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सलमान खुर्शीद के द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, सलमान खुर्शीद। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? टेंथ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की? उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पहले स्थान प्राप्त किया? गुजरात सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नवाचार समझौते नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए? 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य की कैबिनेट ने मेरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्राभा गुहा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की? नवंबर 2021 में द जापान फंड पॉवर्टी रिडक्शन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के लिए $2 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी? थर्ड क्वेश्चन, कौन सा देश 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए? फिफ्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सिक्स्थ क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोक